स्टूडेंट वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिरावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो लगभग 9 जून को है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका करेक्शन डेट आएगा 2 से 3 दिन के लिए, फिर 1 महीने का समय आपको मिलेगा तैयारी के लिए, और जुलाई का 2nd या तो 3rd वीक में आपके एग्ज़ाम 100% ले लिया जाएगा। तो 1 से 1.5 महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 15 दिन या 20 दिन जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने हैं, एक्सपेक्टेड तो यही है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, डेली बेसिस पे अपनी कंप्लीट स्टडी करते रहिए, ठीक है। आज हम लोग इनकम टैक्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इनकम टैक्स का, क्योंकि टैक्सेशन आपके सिलेबस में है, और टैक्सेशन मतलब इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों आपको पढ़ना है। टैक्सेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स आपको पढ़ना है। डायरेक्ट में आपको इनकम टैक्स पढ़ना है, इनडायरेक्ट में आपको जीएसटी पढ़ना है, और टैक्सेशन से लगभग आपका 25 नंबर आपका टैक्सेशन से आएगा। 50 नंबर अगर टोटल पेपर बन रहा है आपके कॉमर्स का, तो 25 आपका टैक्सेशन और 25 आपके अकाउंट से आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। आज इनकम टैक्स का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो पिछले कम से कम अगर आप कोई भी पेपर उठा के आप देखेंगे, चाहे यूपी पीसीएल हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ईएमआरएस अकाउंटेंट, राजस्थान अकाउंटेंट, ठीक है, बिहार में जो अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है उसका ले लीजिए, जितने भी ऑल आपके जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कॉमर्स की आती है, ये सभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहते हैं, एक नंबर आपसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और इनकम टैक्स के ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट्स है आज की क्लास में, मैं कराने वाला हूँ आप सभी को डिटेल में। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको तैयारी करनी है कॉमर्स की कंप्लीट, 50 मार्क्स की तैयारी करनी है बिहार लेखपाल के लिए, तो बैच चल रहा है, 25 मई से क्लासेस स्टार्ट हैं, और डेली बेसिस पे आपको क्लास लेक्चर मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, सारी क्लासेस कवर कराई जा रही हैं कॉमर्स की, ठीक है। और टोटल 7 से 8 क्लास लेक्चर अभी कंप्लीट हुआ है, तो ज़्यादा कोर्स अभी कवर नहीं हुआ है, तो अभी नया बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, ठीक है, और मॉक टेस्ट वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। चलिए आज की यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं सेकंड से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं काफ़ी डिस्कस करूँगा और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सैलरी पेबल बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी पे कर रही है, किसको पे कर रही है, इंडियन सिटीजन को पे कर रही है, जो इंडिया का नागरिक है, भारतीय नागरिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे सैलरी दे रही है। किस लिए दे रही है? फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर वो सर्विस दे रहा है, मतलब ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर अपनी सेवाएं देते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें सैलरी देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि क्या होना चाहिए उस कंडीशन में, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें सैलरी दे रही है, वो भारत के बाहर सेवाएं अपनी दे रहा है, तो क्या होना चाहिए, क्या उनकी सैलरी टैक्सेबल होनी चाहिए, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उनकी जो सैलरी है क्या भारत में कर योग्य होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भारत में कर योग्य होनी चाहिए। इज़ नॉट टैक्सेबल इंडिया, भारत में कर योग्य नहीं होनी चाहिए। इज़ इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम फॉर रेट पर्पज ऑनली, केवल दर प्रयोजन के अनुपात में, केवल आय में शामिल की, कुल आय में शामिल किया जाना चाहिए, ये नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन से नागरिक हैं जो भारत के बाहर सेवाएं देते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें सैलरी देती है? तो देखिए, जितने भी हमारे एम्बेसडर होते हैं, अगर आप यूएन का डेटा अगर आप उठाएंगे, यूनाइटेड नेशन का, तो मेरे हिसाब से मैंने जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा हुआ है 198 या 196, ठीक है, इतने कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं यूएन में, ठीक है। अब इंडिया के सभी देशों में तो एम्बेसडर होंगे, कुछ ही देश में छोड़कर सभी देशों में एम्बेसडर होंगे, राजदूत, तो वो भारत की तरफ से सेवा देते हैं, भारत की तरफ से वहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान का एम्बेसडर हो गया, जो भारत का ही है लेकिन पाकिस्तान में अपॉइंट है, भारत का ही एम्बेसडर अमेरिका में अपॉइंटेड है, तो भारत की तरफ से समझ लीजिए विदेश मंत्रालय की तरफ से वो काम करता है पूरी तरीके से राजदूत। अब उसकी जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी कौन पे कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। और इन सबके साथ साथ जो नेवी है, नेवी शिप पे आप देखते होंगे जितने भी क्रू मेंबर हैं, जितने भी क्रू मेंबर में सभी आपके आ जाएंगे, ठीक है, सभी आ जाएंगे जितने भी शिप पे काम करने वाले हैं, वो सब समझ लीजिए साल, 1.5 साल या 6-6 महीना इंडिया से बाहर ही रहते हैं, भारत की तरफ से वो काम करते हैं, दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इधर उधर उनकी सेवाएं लगी रहती हैं, वो भेजे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी सैलरी भी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही देता है, ठीक है। या बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह हैं दूसरे देशों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे अभी देखिए थाईलैंड का मुद्दा, थाईलैंड का, मलेशिया में इंडिया के ही जो सोल्जर्स से वहाँ सेवा दे रहे हैं, अपनी सैलरी कौन पे कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है, भारत सरकार पे कर रही है, तो इनकी सैलरी क्या टैक्सेबल होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से इनकी सैलरी टैक्सेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कमाई इनकी हो रही है ये भारत में अर्जित हुई इनकी आय मानी जाएगी। ये मान लेते हैं ये सेवाएं विदेशों में दे रहे हैं, भारत में नहीं सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनको जो सैलरी मिल रहा है भारत सरकार दे रही है, और क्यों दे रही है? क्योंकि ये सेवाएं दे रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, तो इनकी जो इनकम अर्जित हुई मानी जाएगी वो भारत में ही कमाई हुई आय मानी जाएगी, भारत में ही इन्होंने कमाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का ट्रीट किया जाएगा इनकी सैलरी। तो इनकी सैलरी पूरी तरीके से टैक्सेबल होगी,
सैलरी में जोड़ी जाएगी, ठीक है, फुल सैलरी में, टोटल सैलरी में जोड़ी जाएगी। देखिए तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही है, मतलब भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए देय वेतन को भारत में अर्जित हुआ माना जाता है। अर्जित हुआ मतलब हमने कमा लिया है, ठीक है, तो भारत में कमाई हुई इनकम इनकी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर भारत के बाहर सेवाएं दे रहे हैं तो भारत के बाहर की इनकम इनकी मानी जाएगी, फॉरेन इनकम मानी जाएगी। ये कनेक्ट तो इंडिया से है और सेवाएं कहीं और दे रहे हैं, तो इनकी जो इनकम रहेगी वो अर्जित हुई मानी जाएगी भारत में, तो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगी। या बहुत सारे भले ही रोजगार के अनुबंध पर भारत के बाहर निष्पादित किया गया है, वेतन भी भारत के बाहर ही दे होगा, इनको सैलरी भी अगर भारत के बाहर ही मिल रही है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये पर्सन है, ठीक है, ये अमेरिका के राजदूत हैं जो इंडिया से ही गए हैं, इंडिया से अपॉइंट हुए हैं, इनको सैलरी अमेरिका में ही मिल रही है, ठीक है, अमेरिका में ही ये सेवाएं दे रहे हैं, अमेरिका में ही ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन ये अपनी इनकम पे जो टैक्स पे करेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करेंगे, क्योंकि इनको इनकम भारत सरकार दे रही है, ठीक है। तो सैलरी जब इनकी टोटल सैलरी जोड़ी जाएगी तो पूरा सैलरी में इनका भी जोड़ा जाएगा टैक्सेबल सैलरी में, ठीक है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका परफेक्ट है, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत में कर योग्य होगा, पूरी तरीके से कर योग्य होगा, ऐसा नहीं है विदेशों में रह रहे हैं तो नहीं टैक्सेबल होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एन एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिडेंट। कह रहा है कि एसएससी मतलब करदाता, किसी करदाता के निवास के आधार पर उनकी श्रेणियां क्या है। तो पूछा जा रहा है निवासी कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी करदाता निवास के आधार पर कितने होते हैं, मतलब एसएससी की अगर हम बात करें तो रहने के आधार पर, निवास के आधार पर, रेसिडेंट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगर कोई एसएससी है, एसएससी मतलब जो भारत में ही अपनी इनकम पर टैक्स देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, एसएससी कहते हैं, जिसकी टोटल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है टैक्स के लिए, वो आपका करदाता होता है, एसएससी होता है। करदाता मतलब कर को देने वाला, भारत सरकार को जो टैक्स पे करता है वही करदाता होता है। अब करदाता निवास के आधार पे तीन तरह में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, निवास के आधार पे, रेसिडेंट के आधार पे। तो रेसिडेंट के आधार पे एक आपके होंगे ऑर्डरली रेसिडेंट, जिसे हम साधारण निवासी कहेंगे। सेकेंड होंगे नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट, जो भारत के ही निवासी हैं लेकिन साधारण निवासी नहीं है। और तीसरे हो गए एनआर, ठीक है, नॉन रेसिडेंट, जो भारत के निवासी नहीं है, भारत में नहीं रहते हैं ये, ठीक है, कभी कभार घूमने आते हैं लेकिन ये भारत के निवासी नहीं माने जाते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अगर हम बात करें, ये प्रीवियस ईयर में 182 कंडीशन जो है निवासी बनने का, अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी व्यक्ति भारत में 182 या उससे अधिक दिन रह लेता है तो भारत का निवासी माना जाएगा, ठीक है। और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति अगर भारत में 182 दिन से ज़्यादा रह लेता है, साधारण निवासी हो गया, लेकिन अतिरिक्त बेसिक एडिशनल कंडीशन भी उसे फॉलो करना पड़ेगा, पिछले दस साल में 2 साल उसे निवासी की नागरिकता मिलनी चाहिए, निवासी होने का रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये आपका है, और पिछले सात साल में 730 दिन उसे रहना पड़ेगा, तब वो पूरी तरीके से भारत का निवासी माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड किया है कि नहीं, नहीं अभी तो ऐड नहीं है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो भारत का निवासी होने के लिए, भारत के निवासी कितने प्रकार के होते हैं एसएससी के आधार पे, तो आपके ऑर्डरली रेसिडेंट होते हैं, नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट होते हैं, और नॉन रेसिडेंट आपके होते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑर्डरली रेसिडेंट, जैसे ये असेसमेंट ईयर आपका क्या चल रहा है, 2024-25 चल रहा है, इसकी जो कैलकुलेशन, मतलब कोई भी व्यक्ति है ऑर्डरली रेसिडेंट है तो उसकी टैक्सेबल इनकम किस इनकम पे कैलकुलेट की जाएगी, फिर प्रीवियस ईयर मतलब 2023-24 पे कैलकुलेट की जाएगी। और पिछले वर्ष मतलब 2023-24 में अगर वो 182 प्लस दिन रहा है तो भारत का साधारण निवासी माना जाएगा, ठीक है। और अगर 182 दिन वो नहीं रह रहा है तो भारत का नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, साधारण निवासी नहीं है, ठीक है। और अभी मैं इसके आगे अभी बताऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी मैंने और इंक्लूड किया है, और भी रूल्स वगैरह अभी मैं आगे बताऊंगा। ये क्लियर है आपका, रेसिडेंट कितने तरह के होते हैं, तो तीन तरह के रेसिडेंट होते हैं आपके, एक ऑर्डरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट आपके होते हैं, ठीक है। साधारण निवासी, गैर साधारण निवासी मतलब असाधारण निवासी हम कह सकते हैं, या अनिवासी हम कह सकते हैं। अनिवासी में जैसे एनआरआई आपके हो गए, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो एनआरआई आप देखते होंगे जो कनाडा वनाडा चले जाते हैं फिर आते नहीं है इंडिया, ठीक है, और आते हैं तो कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, जो बेसिक कंडीशन है 182 दिन प्रीवियस ईयर में रहना चाहिए वो फॉलो नहीं करते हैं, तो वो नॉन रेसिडेंट में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकम अक्यूरिंग इन इंडिया इज एक्सेसिबल फॉर, भारत में अर्जित आय का आकलन निम्न के लिए किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जिसकी इनकम भारत में, मतलब उसने अर्जित किया है, भारत में ही उसने पैसा कमाया, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो भारत में पैसा कमाया है अर्जित इनकम, तो वो किसके लिए होगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, या नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति, अगर विदेशी भी है, इंडिया का अगर कोई नागरिक है वो तो भारत में अगर पैसा कमा रहा है, तो भारत में अगर वो पैसा कमा रहा है तो अपनी टोटल इनकम पे वो टैक्स पे करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन अगर कोई विदेशी भी है और वो इंडिया में रहकर पैसा कमा रहा है, तो जितना दिन वो पैसा कमाएगा भारत में, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सभी करदाता के लिए, सभी एसएससीज के लिए ये लागू होता है, कोई भी एसएससी है, चाहे वह, जैसे ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये भारत का निवासी है, रेसिडेंट है, और ये भारत का निवासी नहीं है, एनआर है, नॉन रेसिडेंट है, विदेशी है,
दोनों लोग अगर भारत में इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इनको टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी इनकम पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसके दायरे से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जो लोग इंडिया में रहकर कमा रहे, जैसे IPL के आप लोग देखते होंगे, IPL के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे अभी आपके IPL में पैट कमिंस हो गए हैं, और कौन भी का है, मिचेल स्टार्क, ठीक है, तो एक 24 करोड़ में और एक 25 करोड़ में भी गया है, तो क्या ये लोग 24-25 करोड़ साथ लेकर चले जाएंगे? नहीं, इस 24-25 करोड़ पे इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और लगभग 30% इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, 30%, क्योंकि आप सबको भी मालूम है ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है, 2.5 लाख तक मिल रहा है, 2.5 से 5 लाख पे 5% है, 5 लाख से 10 लाख पर आपका 20% है, फिर आपका 10 लाख से अबव इनकम है तो 30% है ओल्ड टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम क्या है, न्यू टैक्स रिजिम 3 लाख तक मिल रहा है, 3 से 6 लाख पे 5% है, 6 लाख से 9 लाख पे 10% है, 9 से 12 लाख पे 15% है, 12 से 15 लाख पे 20% है, 15 लाख से अगर अबव इनकम है तो सीधा सीधा इनको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई भी हो, चाहे वो रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, सबके ऊपर ये लागू होता है ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स जो जैसा लेगा। तो 30% तो पहले इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन्हें सरचार्ज भी देना पड़ेगा, ठीक है, अगर 50 सरचार्ज भी इन्हें पे करना पड़ेगा, जो 37% सबसे मैक्सिमम है सरचार्ज, 37% सरचार्ज भी इन्हें पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। तो विदेशी है चाहे इंडिया का ही नागरिक है, जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, कैसा भी कमा रहा है, टैक्स पे करेगा चाहे जितना, ठीक है। अगर वो टैक्स स्लैब के दायरे में आ रहा है तो टैक्स पे करेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है अगर वो इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में आ रहा है, जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, 2.5 लाख तक निल है, 2.5 लाख तक निल है, लेकिन जैसे 2.5 लाख ₹1 इन्होंने कमाया, ठीक है, ये 2.5 लाख यूनिट 10,000 लाख, हाँ, जैसे ये कमाया तुरंत 5% के दायरे में आ गया, और न्यू टैक्स स्लैब में 3 लाख तक निल है, ठीक है, लेकिन 3 लाख ₹1 भी कमा रहे तुरंत टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए आंसर सही है, भारत में अगर कोई भी इनकम अर्जित कर रहा है तो सभी करदाता को टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे देसी हो विदेशी हो, ठीक है। या चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास के आधार पे, देखिए ये रिपीटेड है मेरे ख्याल से, निवास के आधार पे करदाताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो निवास के आधार पे 3 तरह कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, निवास के आधार पे रेसिडेंट, ठीक है, एक ऑर्डरली रेसिडेंट, फिर आपका नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट NOR, और थर्ड आपका क्या हो जाएगा NR हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे, साधारण निवासी नहीं है इंडिया के, अनिवासी है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ओके। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है, ध्यान से आप देखिएगा। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपकी एग्रीकल्चर इनकम मिल रही है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम आप कमा रहे हैं, कृषि से आप आय कमा रहे हैं, खेती बाड़ी से पैसा कमा रहे हैं, और वो भी कहाँ, पाकिस्तान से कमा रहे हैं, पाकिस्तान में आपका खेत है, ज़मीन है, वहाँ आप खेती करवा रहे हैं और आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो कह रहा है इस टैक्स इज एक्सेसिबल फॉर, तो पाकिस्तान में कृषि आय का आकलन किसके लिए किया जाएगा, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान में उसकी ज़मीन है, पाकिस्तान में उसकी खेती बाड़ी है, और वो पाकिस्तान में उस एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी से वो इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो किस व्यक्ति के लिए वो पूरा टैक्सेबल होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे रेसिडेंट आपके कितने तरीके के हैं, ऑर्डरली रेसिडेंट, ठीक है, नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट, और आपका क्या हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो व्यक्ति है ऑर्डरली रेसिडेंट, मान लेते हैं ये बम्बई का है, ठीक है, बम्बई का है, और इसका पाकिस्तान में ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पे ये खेती बाड़ी, इंडिया में रहकर ही ये खेती बाड़ी करवा रहा है, वहाँ पे फार्मिंग वगैरह ये करवा रहा है, कृषि कार्य करा रहा है, और यहीं इंडिया में बैठे बैठे ही, या इंडिया से क्या, अगर ये बाहर भी जा रहा है, मतलब पाकिस्तान जा रहा है, वहाँ खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, और वहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पहला कंडीशन ये हो गया कि पाकिस्तान से इनकम जनरेट कर रहा है, पहला हो गया। सेकंड ये है कि ये भारत का निवासी है, सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कंडीशन में ये कहीं पर भी इनकम कमाएगा, अगर ये इंडिया में इनकम कमा रहा है तो टैक्स पे करेगा, अगर ये विदेश में मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका म्यांमार भूटान दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर ये पैसा कमाएगा इनकम जनरेट करेगा तो भारत सरकार इससे पाई पाई का हिसाब लेगी, हर एक पैसे पे इससे टैक्स लेगी, ठीक है। अब ये पाकिस्तान में अर्न कर रहा है कृषि कार्य से तो इसको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, समझ में आया आपको, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कंडीशन में सिर्फ फॉलो होता है, बाकी नॉन रेसिडेंट है भैया ये तो सीधा कहेगा कि मैं तो तुम्हारे देश का निवासी हूँ नहीं, भारत का हूँ नहीं, तो मैं कहीं पर भी इनकम कमाऊंगा मैं टैक्स नहीं पे करूँगा, तो इसके लिए सही बात है, भाई विदेशी है उसका भारत से क्या लेना देना, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, जो भारत का निवासी नहीं है कहीं पर भी पैसा कमाएगा वो सिर्फ भारत में, अगर नॉन रेसिडेंट सिर्फ अगर भारत में पैसा कमाएगा तभी टैक्स पे करेगा, ये पाकिस्तान में पैसा कमा रहा है ये टैक्स नहीं पे करेगा एग्रीकल्चर इनकम पर, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, अभी आप लोग पूछोगे कि सर कृषि इनकम पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड होती है, छूट होती है, हमें छूट मिलती है कृषि इनकम पे, तो मैं कह सकता हूँ हाँ, भारत में अगर आपका कृषि कार्य से इनकम अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन ये जो कृषि कार्य हो रहा है कहाँ, ये पाकिस्तान में हो रहा है, और ये कौन कर रहा है ऑर्डरली रेसिडेंट कर रहा है, तो इसको तो इस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। भारत में अगर ये कमाता है जैसे बम्बई में है, बम्बई में ही रहकर ये अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो उसकी जितनी भी इनकम आती है कृषि कार्य से वो माफ़ हो जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान से इनकम इसकी जनरेट हो रही है तो इस पर तो इसको टैक्स पे करना पड़ेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, साधारण निवासी के लिए। ओके या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रोड, भारत का एक नागरिक है जो रोजगार के उद्देश्य से कहाँ जाता है, विदेश जाता है, और उसकी कुल आय विदेशी स्रोतों के अन्य स्रोत के अलावा पिछले वर्ष के दौरान 15 लाख से अधिक है, और वो निवासी बनने के लिए कम से कम कितना दिन भारत में रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है, ये रोजगार के उद्देश्य से, रोजगार इसको मिल गया है पूरी तरीके से, और ये रोजगार के उद्देश्य से जा रहा है, ये पा गया है, खोजने नहीं जा रहा है, ये रोजगार इसको मिल गया है, और रोजगार के उद्देश्य से मान लेते हैं ये सऊदी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सऊदी। ऑलमोस्ट इंडिया के बहुत सारे लोग सऊदी जाते ही हैं, सऊदी जा रहा है, और इसकी रोजगार के उद्देश्य से जा रहा है, और इसकी कुल इनकम जो है पिछले वर्ष में, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मतलब क्या है, हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्या होगा इस साल का, 2023-24 होगा, ठीक है, और 2023-24 में इसकी इनकम टोटल कितनी है, 15 लाख है। क्लियर? अब हमसे कह रहा है कि 15 लाख इसकी इनकम है, और इसे भारत का निवासी बनने के लिए कितना दिन भारत में रहना पड़ेगा। तो देखिए, रेसिडेंट का कंडीशन मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत के निवासी बनना चाहते हैं, ठीक है, वैसे बनना नहीं चाहिए, कर के उद्देश्य से, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंट अगर आप हो जाते हैं, भारत के निवासी मान लिए जाते हैं, तो आपको तो पूरा इंडिया में जितना इनकम आप कमा रहे हैं वो तो पे करना ही करना है, और पूरा विदेश में, पूरा फॉरेन कंट्री में जहाँ जहाँ पैसा कमाएंगे, इनकम जनरेट करेंगे, सभी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए लोग चाहते हैं कि मैं नॉन रेसिडेंट रहूँ, वो ठीक है, ठीक है, यही इसीलिए लोग चाहते हैं कि अगर वो नॉन रेसिडेंट रहेंगे तो वो भारत में कमाई हुई इनकम पे टैक्स नहीं पे, सॉरी, भारत में कमाई हुई इनकम पे तो टैक्स पे करेंगे ही करेंगे अगर वो नॉन रेसिडेंट हैं, लेकिन विदेश में कहीं भी पैसा कमा रहे हैं उस पे टैक्स नहीं पे करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं रेसिडेंट का कंडीशन क्या है रेसिडेंट होने के लिए। तो देखिए, रेसिडेंट होने के लिए कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए, रेसिडेंट होने के लिए कंडीशन है कि आपको प्रीवियस ईयर में, क्या प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट होने के लिए, प्रीवियस ईयर मतलब 2023-24, ये हम लोग का प्रीवियस ईयर है, इसमें आपको 182 या उससे प्लस दिन आपको रहना पड़ेगा, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि आप प्रीवियस ईयर में अगर 60 दिन रह रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के पहले के चार साल, पहले के चार साल मतलब क्या, 2022-23, 2021-22, 2020-21, ठीक है, और 19, और कौन सा हो जाएगा एक, 20, ठीक है, इन चार सालों में आपको 365 दिन रहना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन एक बार और देख लीजिए, अगर आप भारत में 182 या 182 से ज़्यादा दिन रह लेते हैं प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर हम लोग का क्या है, 2023-24 है, असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर हम लोगों का इस साल का क्या है, 2024-25 है। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे करते हैं, कब पे करते हैं, इस साल पे करेंगे असेसमेंट ईयर में, जिसे हम कर निर्धारण वर्ष बोलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 या उससे अधिक दिन भारत में रह लेते हैं तो भारत के निवासी माने जाएंगे, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन, अगर आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहते हैं और उसके चार साल, उसके बीते चार साल, उसके पहले के चार साल अगर आप 365 दिन भारत में रह लेते हैं तो आप भारत के रेसिडेंट माने जाएंगे, निवासी माने जाएंगे, ये कंडीशन है। आपको नोट कर लीजिए, अगर आप लोग इस क्लास को सीरियस होकर देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन, एक एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सेव कर लीजिए कहीं पे स्क्रीनशॉट वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो 182 दिन आपको रहना पड़ेगा, ए आंसर आपको सही है, 182 प्लस, ठीक है, अगर आप भारत में रह लेते हैं भारत के निवासी माने जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी, मतलब प्रत्येक वर्ष निर्धारिती की आवासीय स्थिति। अब देखिए, एसएससी क्या है, एसएससी मतलब करदाता, जैसे एसएससी मतलब क्या होता है, करदाता, कोई भी करदाता है, टैक्स पेयर है, क्या उसकी निवासी स्थिति हर साल बदल सकती है, पहला ऑप्शन, नहीं बदल सकता, दूसरा ऑप्शन, अवश्य बदलेगा, तीसरा ऑप्शन, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, अगर मैं मान लूँ, मैं अपने ऊपर लागू करके ये आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैं एसएससी हूँ, एसएससी मतलब मैं करदाता हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं अपनी इनकम पे, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करता हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग मेरी इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में आऊँगा, और टैक्स स्लैब में आऊँगा, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरी इनकम मान लो 4 लाख है, सीधा सीधा। न्यू टैक्स रिजीम से भी मैं टैक्स स्लैब में आऊँगा, मतलब टैक्स के दायरे में आऊँगा, ओल्ड से भी मैं आ रहा हूँ, मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, मैं, ठीक है, और मेरी इनकम कितनी है, 4 लाख है, ठीक है, तो मैं टैक्स पे करूँगा, लेकिन किस बिहा पे मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा, सबसे पहले मेरी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक की जाएगी कि भैया मैं ये 4 लाख कमाया हूँ, मैंने कहाँ कहाँ कमाया है, और मेरी निवासी स्थिति चेक की जाएगी, क्या मैं ये 4 लाख जो मैंने पूरा कमाया है, क्या पहले ये चेक किया जाएगा, क्या मैं भारत का कौन सा निवासी हूँ, क्या मैं भारत का रेसिडेंट हूँ, मतलब साधारण निवासी हूँ, या भारत का मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, भारत का निवासी नहीं हूँ, पहले ये चेक किया जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 या उससे अधिक दिन अगर आप भारत में रह लेते हैं तो भारत के निवासी माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 182 दिन भारत में नहीं रहता हूँ तो मैं अनिवासी हो जाऊँगा, नॉन रेसिडेंट हो जाऊँगा इंडिया का, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। अगर मैं 182 दिन रह लेता हूँ तो मैं भारत का निवासी माना जाऊँगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 उससे अधिक दिन रह लेते हैं तो भारत के निवासी आप माने जाएंगे, और जितनी भी इनकम आपकी टोटल बनी है उस पर आपका कैलकुलेशन होगा टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग।
और अगर आप भारत के निवासी, मान लेते प्रीवियस ईयर में आप 182 दिन नहीं रह रहे हैं, तो आप भारत के साधारण अनिवासी माने जाएंगे, नॉन रेसिडेंट। तो जाहिर सी बात है, आप भारत की कितनी भी इनकम है, अगर आप भारत में कमाए हैं तभी आप टैक्स पे करेंगे, वरना नहीं टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि निवासी स्थिति आपकी बदल सकती है। प्रीवियस ईयर क्या, अभी मैंने कैलकुलेशन आपको बताया है, प्रीवियस ईयर में 182 उससे अधिक दिन रह रहे हैं, या प्रीवियस ईयर में अगर आप 60 दिन या उसके 4 साल में अगर आप 365 दिन रह रहे हैं, दोनों कंडीशन में किसी एक को फॉलो कर रहे हैं, तो आप भारत के निवासी होंगे, नहीं तो आप भारत के निवासी नहीं माने जाएंगे। तो निवासी भारत की ये स्थिति बदल सकती है किसी भी करदाता की, कोई जरूरी नहीं है। आज अगर मान लेते हैं ये राम है, ठीक है, ये इस साल भारत का निवासी है, रेसिडेंट है, हो सकता है अगले साल भाई ये विदेश चला गया पैसा कमाने, अब उस कंडीशन में ये भारत आया ही नहीं, 2 साल 3 साल लगातार नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा भारत का। तो निवासी स्थिति बदल सकती है, तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए मैं डीपली आपको बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये मैंने कंडीशन पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, वित्तीय वर्ष में 182 उससे अधिक दिन रह रहा है भारत का निवासी, अगर वो प्रीवियस भारत में, अगर वो वित्तीय वर्ष में, मतलब प्रीवियस ईयर वित्तीय वर्ष उसे बोला जाता है, 60 दिन या उससे अधिक समय तक रह रहा है, और पिछले 4 साल में 365 या उससे अधिक समय तक रह रहा है, तो भारत का निवासी माना जाएगा। देखिए ये कंडीशन है, जो भी मैंने लेक्चर बताया, ये देखिए सेम वही पूरा लिखा हुआ है, और ये किस सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया आपका ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी डज नॉट बिकम द फॉलोइंग इन द प्रीवियस ईयर, कोई कंपनी है पिछले वर्ष में निम्नलिखित नहीं बन पाएगी, मतलब कोई कंपनी है अगर वो पिछले वर्ष के आधार पर अगर हम उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करें, निवासी होने की स्थिति चेक करें, तो क्या वह नहीं बन पाएगी। ठीक है, क्या नहीं बन पाएगी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब सामान्य निवासी, फिर आपका या सामान्य निवासी, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब सामान्य निवासी नहीं, और बी है आपका इधर सी है ऑप्शन में, हेर फेर है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट मतलब जो अनिवासी है, क्लियर, अनिवासी है, या डी है आपका रेसिडेंट मतलब निवासी। तो देखिए कंपनी का कंडीशन आप देखिए, मैं पहले यहाँ लेक्चर बता देता हूँ, जैसे ये कंपनी है, कंपनी है ABC कंपनी है, तो कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस अगर हम चेक करें, तो वो या तो रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट वाली मतलब भारत की निवासी कंपनी मानी जाएगी, या तो वो भारत की नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब इसमें इस रेसिडेंट के कंडीशन में ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होता है, ठीक है, NOR नहीं होता है, तो आपका प्रीवियस ईयर में कोई भी कंपनी है वो NOR नहीं हो सकता, NOR मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकता, मतलब सामान्य निवासी वाला कंडीशन इसमें लागू नहीं होता है। इंडिविजुअल के केस में क्या है, इंडिविजुअल के केस में आपका है रेसिडेंट, आपके ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, इंडिविजुअल मतलब हम लोग राम श्याम गीता बिकता ये लोग, नॉट रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है और नॉट रेसिडेंट आपका हो सकता है इंडिविजुअल के केस में, लेकिन कंपनी के केस में क्या है, सिर्फ ये फॉलो होगा और ये फॉलो होगा, या तो वो निवासी होगा भारत का, कोई भी कंपनी है भारत की निवासी कंपनी मानी जाएगी, रेसिडेंट मानी जाएगी टैक्स के हिसाब से, टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से, या तो नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। ठीक है, कंपनी का रूल क्या होता है रेसिडेंट होने के लिए, चलिए मैं बता ही देता हूँ। कंपनी का रूल होता है, जैसे कोई भी कंपनी है अगर भारत में वर्क कर रही है, कोई भी कंपनी है अगर उसका डिसीजन मेकिंग और उसका मॉनिटरेट करने का, उसका प्रबंधन करने का काम, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, अगर वो इंडिया में ही उसके फैसले लिए जा रहे हैं कि इस कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे वर्क करना है, तभी यह कंपनी पूरी तरीके से निवासी कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, और विदेशों में अगर यही डिसीजन मेकिंग लिया जाता है, तो ये भारत की निवासी कंपनी नहीं मानी जाएगी। बाकी आप लोगों में जब क्लास आप लोग ज्वाइन करेंगे, जितने भी स्टूडेंट अगर जिसको तैयारी करना है, मैं क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, 2 दिन का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री नॉट कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल ऑफ, कह रहा है कि विदेश में किसी ऐसे व्यवहार से होने वाली आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है, उस स्थिति में कर योग्य होगा, उस स्थिति में कर योग्य होगा। ठीक है, तो किसके लिए कर योग्य होगा, भारत से नियंत्रित नहीं है, तो सिंपल सी बात है, उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ सामान्य निवासी के लिए, साधारण निवासी मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही टैक्स पे करेगा। अब जरा इसको समझिए, जैसे मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, ठीक है, अब ये इंडिया के रेसिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, सीधा सीधा बात आ रही है। ठीक है, ये भी एक मैं बता देता हूँ, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है मतलब भारत के निवासी हैं, लेकिन सामान्य रूप से नहीं इंडिया में रहते हैं, उस कंडीशन में बता रहा हूँ, और ये नॉन रेसिडेंट है। तो जाहिर सी बात है, ये अगर इंडिया में जितना भी पैसा कमा रहा है और प्लस विदेश में फॉरेन कंट्री में जितना पैसा कमा रहा है, सभी पे टैक्स पे करेगा। अब ये घर बैठे ही इंडिया में बैठे बैठे विदेश में मतलब बिजनेस चला रहा है, विदेश में इसका होटल चल रहा है, जो कि इंडिया से कंट्रोल में नहीं है, मतलब इंडिया से कोई उसका लेना देना नहीं है, लेकिन ये इंडिया में बैठे बैठे एजेंट के माध्यम से अपना होटल वगैरह व्यापार कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पहली बात इंडिया का निवासी है, तो ये टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो इसके लिए टैक्सेबल होगा।
और निवासी ये नॉन रेसिडेंट ये तो सीधा कहेगा भैया मैं निवासी हूँ ही नहीं इंडिया का, तो मैं क्यों टेस्ट पे करूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सही कर रही है कि हाँ ये सही बोल रहा है, जब निवासी नहीं है इंडिया का तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत में कमाई हुई इनकम पे टैक्स पे करेगा, बाहर नहीं जो कमा रहा है उस पे टैक्स नहीं पे करेगा, तो इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। और इनके लिए भी नहीं होता है नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरली रेसिडेंट ही टैक्स पे करेगा अगर वो इंडिया में बैठे बैठे विदेशों में बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसी की इनकम पे टैक्सेबल होगा और टैक्स वहीं पे करेगा उस इनकम पर, ठीक है, उसकी टोटल इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया, भारत में निवासी के मामले में कर योग्य आय नहीं है, कर योग्य आय नहीं है, ठीक है, कर योग्य आय नहीं है। तो सिंपल सी बात है, निवासी के मामले में जैसे अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट है तो किस कंडीशन में वो अपनी इनकम पे टैक्स नहीं पे करेगा, टैक्स नहीं पे करेगा, उसकी ये इनकम जो है टैक्सेबल नहीं होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट है अगर वो इनकम रिसीव करता है भारत में तो टैक्स पे करेगा, ये तो टैक्सेबल है। अगर वो विदेशों से भी पैसा कमा रहा है तो ये भी टैक्सेबल है, ठीक है। अगर वो इनकम अक्रूड कर रहा है इंडिया में, भारत में ही पैसा अर्जित कर रहा है, भले से विदेश में काम कर रहा है लेकिन भारत सरकार की तरफ से भेजा गया है, भारत की कंपनी से भेजा गया है, भारतीय कंपनी से विदेशों में नेपाल में भूटान में भेजा गया है, काम कर रहा है लेकिन उसकी इनकम भारत में स्थित कंपनी से व्यापार से ही वो पैसा कमा रहा है, तो ये भी इसकी इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। लेकिन ये चौथा जो है आपका पिछले वर्ष के दौरान भारत में लाई गई पूर्व कर रहित विदेशी आय, अब ये है तो इस पर इसको टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि अगर कोई रेसिडेंट है और वो अमेरिका रह के मान लेते हैं पैसा कमा रहा है, भारत का ही निवासी है, बिजनेस के सिलसिले से अमेरिका में आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसने जो इनकम पैसा मान लेते हैं 10 लाख कमाया अमेरिका में, तो अमेरिका में ही इसने टैक्स पे कर दिया, अमेरिका की गवर्नमेंट ने ले लिया टैक्स, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आप अमेरिका में कमाए टैक्स पे करो, तो ये विदेश में ही टैक्स पे कर आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि इसने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है कि प्रीवियस ईयर के दौरान भारत में लाएगी पूर्व कर रहित विदेशी आय, ठीक है, इनकम जो ये ब्राउट करके लाया है ये पूरी तरीके से, ठीक है, पास्ट ईयर में अनटैक्स है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये नहीं आपका ऐड होगा, ये इनकम इसकी टैक्सेबल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम अक्रूड इन पेरिस एंड रिसीव देयर इज टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ, पेरिस में अर्जित किया हुआ है ये इनकम जो है पेरिस में कमाया जा रहा है और फिर कह रहा है कि वहाँ प्राप्त आय भारत में कर योग्य है। देखिए अगर ये किस कंडीशन में है, रेसिडेंट के कंडीशन में, रेसिडेंट अगर पेरिस में अगर पैसा कमा रहा है, ठीक है, और भारत में लेकर आ रहा है इंडिया में लेकर, तो कौन टैक्स पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट पे करेगा, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट पे करेगा। नॉन रेसिडेंट क्यों पे करेगा, क्योंकि वो भारत का निवासी है नहीं, वो इंडिया में विदेश में जितना पैसा कमाएगा वो टैक्स नहीं पे करेगा, ये नहीं पे करेगा, ना ही नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है पेरिस में कमाई हुई इनकम और फिर भारत लाया जा रहा है, ठीक है, प्राप्त इनकम भारत में क्या वो कर योग्य है कि नहीं, तो किसके लिए कर योग्य है, सिंपल सी बात है यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पे रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कंडीशन में, सिर्फ रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ये कर योग्य होगा, बाकी आपका ऑर्डरली रेसिडेंट और जो सामान्य निवासी नहीं है, असाधारण निवासी है इंडिया के या इंडिया के निवासी नहीं है, नॉन रेसिडेंट है NRI, उनके लिए लागू नहीं होगा। तो ए आंसर आपका यहाँ पे सही है आपका, क्लियर। या तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी जिन लोगों को बिहार लेखपाल की कंप्लीट तैयारी करनी है, अकाउंट्स भी पढ़ना है, इनकम टैक्स भी पढ़ना है, GST भी पढ़ना है, तो बैच पूरी तरीके से चल रहा है, 25 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट है, नया बैच है, पूरी तरीके से डिटेल में क्लासेस चल रही हैं, थियरी न्यूमेरिकल MCQ सभी क्लासेस कवर कराई जा रही हैं, तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, डिटेल में क्लासेस कराई जा रही हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो रही है, ठीक है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, वहाँ पर रजिस्टर लॉग इन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड तो दिए गए नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, बैच की सारी क्लासेस एक्टिव हैं, जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले लीजिए तैयारी करने के लिए। ओके, या